बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ। व्यापारियों के विरोध के आगे प्रशासन की एक भी नहीं चली। अतिक्रमण हटाने गई टीम कुछ ही व्यापारियों का सामान जब्त कर पाई थी कि भारी विरोध शुरू हो गया। नगर निगम और प्रशासन की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ बाजार पहुंची। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। प्रशासन की कार्यवाही शुरू होते ही व्यापारी विरोध में उतर आए। सैकड़ों की संख्या में व्यापारियों के बाजार में उतर आने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। प्रशासन की टीम ने कालू सिद्ध बाबा मंदिर के सामने बाजार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की। सड़कों पर रखा सामान जब्त किया जाने लगा। एक दुकान से सामान जब्त करने की कवायद शुरू होते ही वहां पर व्यापारी एकत्र हो गए और कार्यवाही का विरोध शुरू कर दिया। बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू होते ही व्यापारियों का हुजूम विरोध में उतर आया। व्यापारियों के विरोध में आते ही काफी देर तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर ब्रेक लग गया। व्यापारियों ने जमकर हंगामा काटा और कार्यवाही को अव्यवहारिक करार दिया। कहा कि त्योहारी सीजन में प्रशासन व्यापारियों का उत्पीड़न करने पर तुला हुआ है। बता दें कि बाजार क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर नगर निगम और प्रशासन से भी शिकायत की गई थी। कहा गया था कि त्योहार का सीजन आ रहा है, ऐसे में बाजार में अतिक्रमण की वजह से लोगों का चलना दूभर हो गया है। इसी शिकायत का संज्ञान लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह के नेतृत्व में कालाढूंगी स्थित कालू सिद्ध मंदिर के सामने से अतिक्रमण हटाने पहुंच गई थी। अतिक्रमण की कवायद शुरू होने के बाद व्यापारियों ने मेयर को भी मौके पर बुला लिया, जिसके बाद तय हुआ कि जब्त किया गया सामान वापस किया जाएगा और व्यापारियों के साथ मीटिंग की जाएगी, जिससे आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कुछ भी नहीं है अतिक्रमण को लेकर। यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा था, इसका एक ही उद्देश्य था कि रोडों पर लोगों ने बहुत सारा अपना सामान रखा हुआ है, बिल्कुल भी चलने की जगह मार्केट में नहीं है। त्यौहार का टाइम है, अगर कहीं आग लग जाती है तो हमारी फायर ब्रिगेड भी नहीं निकल पाएगी, इसलिए अभियान चलाया गया है। बीच में मेयर साहब आए थे तो उन्होंने भी लोगों से ये आग्रह किया कि आप इनके साथ बैठक करके इनको टाइम दे दीजिए और उसके बाद अगर ये नहीं हटाते तो आप इसमें अपनी कार्रवाई करें। मैम, आम दिनों में भी अतिक्रमण का बाजार क्षेत्र में हाल यही रहता है, क्या अन्य दिनों के लिए भी कोई व्यवस्था बनाई जाए? देखिए, हमेशा व्यवस्था बनाई जाती है, लेकिन व्यापारियों की भी जिम्मेदारी बनती है और जो व्यापार मंडल है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो एक व्यवस्था बनाने में प्रशासन का सहयोग करें। मैम, मीडिया के सामने आवर्तक की गई जो व्यापारी जो है प्रशासन के, उसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, वहाँ पर जो भी व्यापारी थे उनका एक ही था कि आपने हमको पहले वार्न नहीं किया है। इन लोगों ने ही स्वयं ज्ञापन दिए हैं, सभी को पता है कि बाजार में चलने की जगह नहीं है, इसलिए ये कार्रवाई की गई है। और आज अभी इन लोगों के साथ फिर इनको ये बता दिया गया है कि आपको हम समय दे रहे हैं, आप रोड पे एक व्यवस्था बनाइए, प्रशासन को यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कब तक का समय दिया गया है? देखिए, इनको आज का समय दिया गया है और इनसे यही कहा गया कि आप लोग स्वयं व्यवस्था बनाएं कि कम से कम हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर कोई घटना होती है तो वहाँ पर निकल जाए। इनको थोड़ा सा उनमें इस बात को था कि त्यौहार का सीजन है तो उसको लेके अभी जो प्रस्तावित हुआ है सिटी मजिस्ट्रेट मैम और हम नगर निगम मिलकर के कल एक मीटिंग करेंगे 11 बजे व्यापारियों को साथ में लेके, और कल से ही अभियान दोबारा चलाया जाएगा। किसी भी स्थिति में सड़क में प्रदूषण नहीं, व्यापारियों अवरता की है प्रशासन के, तो है प्रशासन के ऊपर नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। अवरता की कोई बात नहीं है, अपनी बात उन्होंने कही है, अगर किसी और से कही होगी तो उसके बारे में वही बताएंगे। देखिए, अतिक्रमण के संबंध में जैसा कि नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि उनको एक ज्ञापन मिला और सीएम पोर्टल में शिकायत हुई है, तो प्रशासन और नगर निगम की टीम यहां पर अतिक्रमण को चिन्हित करने और उसको हटाने के लिए आई थी। मैं भी कई एक वार्षिक श्राद्ध में गया हुआ था, कुछ व्यापारियों को मुझे फ़ोन आया कि घर्षण की स्थिति बनी हुई है, तो मैं घर्षण की स्थिति को देखते हुए यहाँ आया। मैंने प्रशासन को भी यह कहा है कि पूर्व में मुनादी कराएं और व्यापारियों को भी कहा है
कि बाजार को व्यवस्थित रखने में अपना सहयोग दे। सर आखिरकार तो त्योहारी सीजन में ही क्यों याद आता है, क्यों प्रशासन कुंभकर्ण के लिए अभी जागता है? नहीं, ऐसा नहीं है, समय समय पर अतिक्रमण के अभियान चलते रहते हैं और सदैव चलते हैं। अतिक्रमण एक रोजमर्रा की क्रिया है। इससे पूर्व भी आप लोग के द्वारा कार्रवाई की गई थी, लेकिन दोबारा से वही स्थिति बनी हुई नहीं, है। वही तो 15 है ना, मैंने तभी कहा व्यापार मंडल के ही जो हमारे नेता हैं, हमारे मित्र लोग हैं, उनसे मैंने कहा आप लोग भी सहयोग करें प्रशासन का कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो अपने आगे ठेले लगाते हैं इत्यादि लगा के पैसे की उगाही कर रहे हैं, उनको भी चिन्हित करें। ये आपका ही बाजार है, व्यापारियों का ही हित इसमें है। अगर इसको व्यवस्थित रखेंगे तभी यहाँ पर खरीदार आएगा। अगर सर व्यापारी अगर नहीं मानते फिर क्या होगा इन लोगों का? व्यापारी नहीं मानते, नहीं मानने का प्रश्न नहीं। बाजार को व्यवस्थित करने के लिए अभी व्यापार मंडल द्वारा यहाँ पर मुझसे कहा गया कि हमें आप बैठक में बुलाएं, सिटी मजिस्ट्रेट से उन्होंने कहा कि आप हमें बैठक में बुलाएं, हम आपको सहयोग करेंगे। सर आज जो सामान की जब्ती हुई है, उस सामान का क्या किया सर? आज जो निगम ने सामान की जब्ती की है, उस सामान का क्या किया जाएगा? व्यापारियों को वापस दिया जाएगा या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा? बिल्कुल उनका सामान है, उनको वापस दिया जाएगा। देखिए इसमें 60% ठेले वाले और ये सब बाहर वाले हैं, फल वाले, स्थानीय कोई भी नहीं है। और हमारी हमेशा मांग रही है प्रशासन से कि इनका सत्यापन हो, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए, कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं। और इनको जो दुकानदार बाहर लगवा रहे हैं, हमने उनके लिए भी कहा है पहले उनको अल्टीमेटम दीजिए, अगर नहीं मानते तो उनका चालान भी करिए। कपूर जी मुझे मानते हैं कि दुकानदारों की सहे मिलती इन लोगों को? नहीं, कुछ दुकानदारों की है इसमें, मतलब आधे से ज्यादा दुकानदारों की व्यापारी है ना, वो भी व्यापारी। हम कहते हैं उन व्यापारियों पे भी उनको आप सपोर्ट क्यों करते हैं? नहीं, हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। हम कहते हैं जो व्यापारी बाहर लगवाता है उसका तुरंत चालान काटिए, इस पर कार्रवाई करिए। थैंक यू भैया। हम तो सुबह 10 बजे से आए हुए हैं, यहीं फंसे हैं अभी तक। हमसे जितनी जल्दी शॉपिंग हो जाए उतने अच्छा है, ये चीज़ है, बस इतना ही कहूँगी। बाकी पार करने में रोड इतनी ज़्यादा गिरी, दुकान वालों ने अतिक्रमण इतना ज़्यादा कर दिया है, और ऑटो वाले, रिक्शा वाले और स्कूटर वाले सब वो आ रहे हैं, मतलब इतना कंट्रोल होना चाहिए। काफ़ी दिक्कत हुई है, मतलब वंदना तिवारी। व्यापारी ही मंडल वाले ही गए थे व्यापार करने प्रशासन के पास कि अतिक्रमण हटाओ। अब जब प्रशासन आज अतिक्रमण हटाने के लिए आया है तो यही विरोध कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि इनका डबल राजनीति क्या है। अगर कदमी के विरोध कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? और गए थे प्रशासन के पास विरोध हटवाने के लिए तो क्यों गए थे? और इन्हीं व्यापार मंडल वालों ने व्यापारियों ने ही अपनी दुकान के आगे 1500 रुपये 2000 रुपये लेके रोज के अतिक्रमण लगवा रखा है। सबसे पहले छोटे व्यापारी को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर एक्शन लेना चाहिए तो व्यापारी को गलती, क्योंकि दुकानों को आगे तो उन्होंने लगवा रखा है। और प्रशासन आती है छोटे व्यापारी को, मैं भी व्यापारी हूँ, प्रशासन मैंने दुकान का आगे नहीं लगा रखा, मैं सेठ से दुकान। अब इस सारा आज माहौल को देखते हुए पूरे बाजार का माहौल खराब हो गया है, कारोबार सब चौपड़ हो गया है। मेरा नाम है सोम प्रकाश राठौर।